स्टूडेंट टुडे वी सी द टॉपिक दैट इज सिंकिंग एंड सोर्सिंग कंसेप्ट पार्ट टू. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी सी द पार्ट वन सिंकिंग एंड सोर्सिंग कंसेप्ट. इन टुडेज लेक्चर वी सी द पार्ट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस लेक्चर. ओके, सो सी दिस इज द सोर्सिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल विद द सिंकिंग स्विच. ओके, ये जो डायग्राम है आपकी ये सोर्सिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल विथ सिंकिंग स्विच की है. अभी इसमें देखो क्या है, क्या क्या दिया है, जो 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई दिया है. ओके, यहाँ पे स्विच है, बाद में ये जो इनपुट मॉड्यूल्स है जो कि ये सर्किट को क्या है कनेक्टेड है. ओके, सो सी द डिस्क्रिप्शन. सॉलिड स्टेट डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर, कॉमन प्रॉक्सिमिटी स्विचेस और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर एक्सेट्रा. जो भी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है जैसे कि ट्रांजिस्टर है, कॉमन प्रॉक्सिमिटी स्विचेस है और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स है. ओके, सो सी द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दैट इज करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द इनपुट मॉड्यूल एंड देन to the switch to the negative terminal of the supply. Hence module acts as a sourcing device and switch acts as a sinking device. Okay, so क्या हो रहा है, जो भी current है वो कहाँ से flow होता है, positive terminal of battery to input module. जो भी input module है वो वहाँ पर जाएगा, first of all current battery से, बाद में वो कहाँ पर जाएगा स्विच के यहाँ पे जाएगा और बाद में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सप्लाई. हेंस जो भी अपना मॉड्यूल है वो क्या करके एक्ट होगा, एक्ट्स एज अ सोर्सिंग डिवाइस. ओके, और जो स्विच है वो एक्ट्स एज अ सिंकिंग डिवाइस. ओके, जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूल, जो भी यूज़ कर रहे हैं वो एज अ सोर्स करके यूज़ करेंगे. ओके, और स्विच जो है वो जो है इनपुट मॉड्यूल पे डिपेंड है, इसलिए वो सिंकिंग डिवाइस करके यूज़ होगा. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर सोर्सिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल विद द सिंकिंग स्विच. अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसका अपोजिट जो है. ओके, सो सी दिस इज द डायग्राम फॉर सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल विद द सोर्सिंग स्विच. ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है, देखो जो है बैटरी टर्मिनल जो है वो अपोजिट किया है. यहाँ पे क्या है, 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, और यहाँ पे स्विच अब कनेक्ट किया है, बाद में है इनपुट मॉड्यूल. मीन्स यहाँ पे जो है जो डीसी इनपुट मॉड्यूल है वो हम लोग सिंकिंग करके यूज़ करते हैं और स्विच जो है वो सोर्सिंग करके यूज़ करते हैं. ओके, सो सी द एक्सप्लेनेशन. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई टू स्विच देन थ्रू इनपुट मॉड्यूल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई. हे स्विच एक्ट्स एज अ सोर्सिंग डिवाइस एंड डीसी इनपुट मॉड्यूल एक्ट्स एज अ सिंकिंग डिवाइस. ओके, सो जो यहाँ पे हम लोग जो डीसी इनपुट मॉड्यूल यूज़ किए हैं वो क्या करके एक्ट होगा, एज अ सिंकिंग, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, स्विच के ऊपर डिपेंड है. सो स्विच क्या होगा, सोर्सिंग, और जो बैटरी जो कनेक्टेड किए हैं हम लोगों ने, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो स्विच को है, इसलिए करंट कैसे फ्लो होगा, सबसे पहले स्विच में जाएगा, देन नेक्स्ट इनपुट मॉड्यूल एंड देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ओके, सो इन दिस वे द वर्किंग ऑफ द सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल विद द सोर्सिंग स्विच will be covered. So the today's topic will be end, and thank you.